तो वक्त की रोटी के लिए बहुत स्ट्रगल करना पड़ता था। मैंने भी डिसाइड कर लिया कि मुझे एक अच्छा बिजनेसमैन बनना है, एक सक्सेसफुल मैन बनना है। मैंने अलग अलग कॉर्पोरेट्स में जाके उनको अप्रोच किया, बट कोई फायदा नहीं मिला। दे इवन डिड नॉट अलाउ मी टू एंटर। एक टेबल अरेंज करी, कुछ बर्तन, गैस चूल्हा, और कॉर्पोरेट के बाहर एक टेबल लगाकर बैठ गया। केवल 8 ही महीनों में, ओनली 8 मंथ्स, मेरी कंपनी का जो प्रॉफिट था 1.2 CR था। हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज जगदीश। आई एम फाउंडर एंड मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ मल्टीपल फूड ब्रांड कंपनी कॉर्बाइट, टी कैफे एंड टी लीफ बिजनेस, एनआरआई चाय वाला। माय लाइफ स्टार्टेड ऑन अ वेरी रफ नोट। मेरा बचपन पूरा गरीबी बीता। मेरे फादर जो पहले ट्रक ड्राइवर थे, बाद में TTC में ड्राइविंग करने लगे। मम्मी जो हाउसवाइफ थी, एक अच्छी लाइफ स्टाइल तो छोड़ो, इट वॉज वेरी डिफिकल्ट फॉर माई फैमिली टू गेट 2 proper meals ऑन आवर प्लेट। 2 वक्त की रोटी के लिए बहुत स्ट्रगल करना पड़ता था। माई पेरेंट जस्ट हैड अ विश कि उनके बेटे को किसी तरह एक छोटी सी सरकारी नौकरी मिल जाए या फिर एक छोटी सी कंपनी में प्यून लग जाए। इसमें उनकी कोई गलती नहीं है, क्योंकि उनका जो जीवन है वो गरीबी में बीता। उनकी एक केवल यही इतनी सीमित सोच थी कि किस तरह एक अच्छा जीवन व्यतीत किया जाए। Sending me an school, it was enormous investment of my parents. मैं स्कूल जाता रहा, पढ़ाई करता रहा, gradually I passed out from the school. एक दिन मैंने लक्ष्मी नगर में एक बुक स्टॉल पे कुछ UPSC, BTEC वगैरह के फॉर्म देखे, उसी में से एक फॉर्म होटल मैनेजमेंट का भी था, जिसमें मुझे काफ़ी इंटरेस्ट आया। मैंने इधर उधर लोगों से, दोस्तों से इस कोर्स के बारे में जानना चाहा। लकीली मेरे एक दोस्त के बड़े भाई ने, जिसने ये कोर्स किया था, ही टोल्ड मी वाज अर्निंग अराउंड 50,000 rupees per month। आई वाज हाईली इम्प्रेस। उसने मुझे बताया कि अगर ये कोर्स आप सक्सेसफुली कर लेते हैं तो सक्सेस निश्चित है। बस तब क्या था, आई हैव डिसाइड कि मुझे यही कोर्स करना है, आई हैव टू परस्यू दिस कोर्स, और इसी में ही सक्सेस लेके आनी है। स्कूलिंग के बाद में काफ़ी मेहनत की मैंने, इंस्टीट्यूट ऑफ होटल मैनेजमेंट का एंट्रेंस और इंटरव्यू क्लियर किया, एडमिशन लिस्ट में मेरा नाम भी आ गया। बट नाउ प्रॉब्लम वाज एडमिशन फीस, जो कि ना तो मेरे पास थी ना ही मेरे पेरेंट्स के पास। देन आई रिक्वेस्ट माय ऑल रिलेटिव्स, आई बोरो मनी फ्रॉम देम, आई रिक्वेस्ट देम एज सून एज आई विल स्टार्ट अर्निंग आई विल पे देम ऑफ। तो दोस्तों, किसी तरह जुगाड़ करके होटल मैनेजमेंट के एडमिशन की फीस का तो जुगाड़ हो गया, लेकिन कॉलेज में सर्वाइव करने के लिए पैसों की जरूरत पड़ती है, जो मेरे पास नहीं थे। लेकिन मैं भी कहाँ हार मानने वाला था। मैंने भी अपने कॉलेज के सामने के रेस्टोरेंट में वेटर का काम करना स्टार्ट कर दिया, और कुछ शादियों में, इवेंट्स में मैंने भी वेटर का काम करके पैसा कमाना शुरू कर दिया, ताकि मैं कॉलेज के खर्चों को निकाल सकूँ। मैं इधर उधर अपने सीनियर से बात करता कि किस तरह का कैरियर, किस तरह की जॉब मेरे लिए ज़्यादा अच्छी रहेगी। तब मुझे रियलाइज हुआ, दोज हु आर डूइंग द सेम थिंग दे स्ट्रक फॉर अ ईयर, उन्होंने कोई कुछ खास नहीं किया, लेकिन जिसने भी अपने ऊपर थोड़ा सा रिस्क लिया, कुछ अलग हटके करना चाहा, दे टर्न आउट टू बी अ गुड बिजनेसमैन, टू बी सक्सेसफुल मैन टुडे। मैंने भी डिसाइड कर लिया कि मुझे एक अच्छा बिजनेसमैन बनना है, एक सक्सेसफुल मैन बनना है। एनीवे, ग्रेजुएटली आई एम पास आउट फ्रॉम IHM विद फर्स्ट डिवीजन, बहुत अच्छे नंबरों के साथ में कैंपस स्टार्ट हुआ, और यहां मेरी बिजनेसमैन बनने की जर्नी भी स्टार्ट हुई। सबसे पहली जो जॉब मुझे मिली वो मेरे घर से 5 किलोमीटर दूर PVR साकेत में थी, एंड देवर ऑफरिंग मी 45,000 सैलरी। ऑन अनदर हैंड, मुझे एक दूसरी जॉब ऑफर हुई जो कि 50 किलोमीटर दूर थी, एंड दे वर ऑफरिंग ओनली 3,400, सो देर वॉज नो कंपेरिजन विद द फर्स्ट वन। अगर मेरी जगह आप भी होते तो शायद आप 45,000 की सैलरी लेते, स्पेशली द पर्सन इन माय सिचुएशन हु हैव टू पे टू देयर रिलेटिव्स, हु हैड टू लुक आफ्टर देयर फैमिली। तो शायद ये डिसीजन लेना बहुत मुश्किल था, क्योंकि मैं जानता था वो 45,000 की जो सैलरी है, आई विल बी स्ट्रक देयर,
मैं वहाँ पर कुछ ज़्यादा सर्वाइव नहीं कर सकता, देर वॉज नो फर्दर ग्रोथ। और वो 3400 की, जिसमें हालांकि पैसा नहीं था, आई न्यू इट, वो मेरे लिए बहुत सारे दरवाजे खोलती, मेरे कॉन्टेक्ट्स बढ़ाती। मुझे काफ़ी लोगों ने कहा भी कि तू पागल हो गया, तू कैसे सोच भी कैसे सकता है 45,000 की सैलरी जॉब को छोड़ने के लिए। बट आई वॉन्टेड टू बी ए सक्सेसफुल बिजनेसमैन। मुझे एक शॉर्ट टर्म गेन नहीं, एक लॉन्ग टर्म बेनिफिट देखना था। मेरी लाइफ का पहला लेसन मैंने वहां सीखा। अगर आपको कुछ करना है, इफ यू वॉन्ट टू अचीव समथिंग यू हैव टू टेक रिस्क। मैंने वही कैलकुलेटेड रिस्क लिया और 3400 की जॉब को मैं करने लगा। जॉब मेरी चली रही थी, तभी एक दिन मैं अचानक अपने जीएम के रूम में घुस गया और मैंने उनसे कहा, पार्ट ऑफ माई डेली रूटीन इन रेस्टोरेंट, आई वॉन्ट टू वर्क समवेयर एल्स एज वेल। क्योंकि मैं जानता था अगर मुझे आगे बढ़ना है तो मुझे अपने स्किल्स को, अपने एक्सपर्टाइज को बढ़ाना पड़ेगा, और उसके लिए मुझे वो काम सीखना बहुत जरूरी था। एनीवे, काफ़ी कन्वेंस करने के बाद में वो फाइनली तैयार हो गए, बट विद नो एक्स्ट्रा बेनिफिट, नो मनी। पैसा किसको नहीं चाहिए था, मुझे भी चाहिए था, लेकिन बट इट डिडंट बोदर मी, क्योंकि मुझे पता था मेरे लिए क्या ज़्यादा जरूरी है इस समय, ग्रोथ या पैसा। एनीवे, आई स्टार्टेड वर्क 6 o'clock इन द मॉर्निंग, फ्रिश बाय 6 PM इन द इवनिंग। एक घंटे का टी ब्रेक लेता और 7 बजे से रात को 12 बजे तक बार में काम करता। ये मेरा रूटीन चलता रहा। सेम टाइम मेरे उसी जीएम ने, ही रिजाइन फ्रॉम द जॉब एंड ही लेफ्ट इंडिया फॉर मिडिल ईस्ट, जिस चीज का फल मुझे बाद में मिला। वन डे आई गॉट अ कॉल एंड ही सेड टू मी, ही वॉन्ट टू अकम्पनी मी टू मिडिल ईस्ट। तो मेरी सफलता, मुझे इस चीज़ का फल मिला और मैंने वहाँ पर चला गया, मिडिल ईस्ट चला गया। 2 साल मैंने वहाँ पर काम किया, पैसा भी कमाया, इंक्रीमेंट भी हुआ, सब कुछ बढ़िया चल रहा था। मीनवाइल मैं वेस्टर्न कंट्रीज के लिए ट्राई भी करने लग गया जॉब के लिए, बिकॉज आई हैव टू चेंज माई ड्रीम फाइनली टू बिकम अ सक्सेसफुल बिजनेसमैन। उसके लिए पैसा चाहिए था, पैसा कमाना बहुत जरूरी था। देन मैं न्यूजीलैंड गया, न्यूजीलैंड में मुझे मौका मिला, वहां जाके काम, काफी काम किया, काफी पैसे बचाए। तो दोस्तों, मैं इंडिया बहुत फ्रिक्वेंटली फ्लाई किया करता था अपने पेरेंट्स को देखने के लिए। तब मुझे रियलाइज हुआ कि इंडिया हैज बिकम वेरी पोटेंशियल मार्केट। नए नए स्टार्टअप्स यहाँ पर आ रहे हैं, बहुत अच्छा एप्रिसिएशन मिल रहा है। वो मोमेंट था जब मैंने डिसाइड करा, फाइनली आई रैप अप ऑल माई बिजनेस, अपना ग्रीन कार्ड छोड़ा और इंडिया वापस आ गया। इंडिया में काफ़ी जगह घूमने के बाद में मैंने नागपुर को अपनी फाइनल बिजनेस डेस्टिनेशन चूज करा, क्योंकि वहाँ पर जो कॉरपोरेट था मुझे काफ़ी अच्छा लगा। अब उन कॉरपोरेट्स में मैं रोज ट्राई करता रहा। मैंने जो इंडस्ट्री चूज करी थी वो चाय इंडस्ट्री थी। चाय इंडस्ट्री इसलिए थी क्योंकि चाहे वो हमारे प्रधानमंत्री हो या मैं या आप, कहीं ना कहीं चाय के साथ जुड़े हुए हैं। चाय एक मोस्ट कंज्यूमिंग प्रोडक्ट है इंडिया के अंदर, इसकी बहुत पोटेंशियल मार्केट है, इसके अंदर बहुत रूम है इनोवेशन का और एक अच्छी ग्रोथ है। मैंने अलग अलग कॉर्पोरेट्स में जाके उनको अप्रोच किया, बट कोई फायदा नहीं मिला। दे इवन डिड नॉट अलाउ मी टू एंटर। आई वॉन्टेड टू ओपन अ स्मॉल टी स्टॉल इन देयर प्रॉमिसेस, विद इन देयर प्रॉमिसेस, बट दे डिड नॉट एंटर मी। मैं भी बहुत जिद्दी था, आई न्यू इट, अगर मुझे ये अंदर परमिशन नहीं दे रहे, दे कैन स्टॉप मी सर्विंग देम इनसाइड बट नॉट आउटसाइड। बस फिर क्या था, एक टेबल अरेंज करी, कुछ बर्तन, गैस चूल्हा और कॉर्पोरेट के बाहर एक टेबल लगाकर बैठ गया। आई टारगेट देयर एम्प्लॉयज, वो वहां पर शॉप पे आने लगे, उनको अलग अलग तरह की चाय की वैरायटी मैं देता, उनको वो वैरायटी, वो नाम सब पसंद आने लगे। मैं उनको अदरक वाली, इलायची वाली, जो रेगुलर चाय है वो देता, उनका टेस्ट उनको बहुत अच्छा लगता। अपनी इन्वेंटेड चाय, प्यार मोहब्बत वाली, मम्मी के हाथ वाली, मर्दों वाली चाय,
जैसे चाय थी वैसे ही नाम बहुत थे, नाम नाम वैसे ही था, उनको वो चीज़ बहुत अच्छी लगी। जिस समय मैं चाय बेच रहा था उस समय मैंने अपनी शॉप पे एक बैनर लगाया जिस पे लिखा था NRI चाय वाला। दे गॉट वेरी क्यूरियस, दे वॉन्टेड टू नो द स्टोरी बिहाइंड NRI चाय वाला। वेन दे केम टू नो, जब उनको इस कहानी का पता चला, मोस्ट ऑफ देम प्रेज मी बट सम ऑफ देम मेड फन ऑफ मी एज वेल। लेकिन हु बॉदर्ड, मेरा बिजनेस चलने लगा था और उनकी रिकमेंडेशन पे उन्होंने अपने हाई अथॉरिटी को मेरे नाम रिकमेंड किया और जिस कॉरपोरेट ने मुझे अंदर नहीं आने दिया था उसी कॉरपोरेट ने मुझे अपने प्रेमिसेस में सर्व करने का एक मौका दिया। बस फिर क्या था, इन्फोसिस कंपनी में मैं सर्व करने लग गया, STL में फिर एक के बाद एक कॉरपोरेट्स मुझे मिलते रहे और मेरी कंपनी जो है वो बहुत अच्छी चलती रही। केवल 8 ही महीनों में, ओनली 8 मंथ्स, मेरी कंपनी का जो प्रॉफिट था 1.2 CR था। इसके बाद मैंने अपनी कंपनी कॉर्पोरेट के अंडर में मल्टीपल फूड ब्रांड ओपन करे, उनका बहुत अच्छा रिस्पांस मिला। 35 से 50 एम्प्लॉयज मेरे लिए काम कर रहे हैं, कंपनी अच्छे प्रॉफिट में है, बिग एक्सपेंशन है। और कहते हैं दोस्तों, ये तो एक ट्रेलर है, फिल्म तो अभी बाकी है, तो अभी तो बहुत कुछ करना है और आगे बढ़ना है। जब एक मजदूर का बेटा, एक बच्चा जिसके पास एजुकेशन नहीं थी, गाइडेंस नहीं थी, वही सब कुछ कर सकता है, तो आप तो काफ़ी कुछ कर सकते हैं। तो दोस्तों, इसी के साथ मैं थैंक्स, शुक्रिया करना चाहूँगा जो स्टॉक को, जिसके माध्यम से मैं आपको अपनी कहानी शेयर कर सका। एंड आई विश यू ऑल द बेस्ट, ईच एंड एवरीवन। Tell us what you think about this video and don't forget to like, share and subscribe.